थाने में आपने FIR कराना है, पैसा दो। आपकी अगर बच्ची की इज्जत टूटी गई, अगर आप जाना चाहते हो, FIR लगाना चाहते हो, पैसा दो। अगर पैसा नहीं है, FIR नहीं लगेगा। बनने से पहले पुल गिर जाते हैं। कुछ दिन पहले एक पुल बन रहा था, मैं वहां गया, सड़क के किनारे था, मैंने पुल को जाके देखा, अगले दिन पूरा पुल ही गिर गया। उसमें जो सीमेंट डाला था, पत्थर डाले, सीमेंट नहीं डाला, मंत्री की जेब में सीमेंट गया और ऊपर से नीचे पुल गिर गया। मुझे मिल की बात होती है, मुझे मिल की बात होती है, वो जो स्कूल में जाना चाहिए, बच्चे भूखे मरते हैं, भोजन नहीं मिलता, मंत्रियों के जेब में पैसा जाता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करता हूं, हजारों करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने यूपी की सरकार को भेजा। जमीन सुरक्षा योजना एक प्रोग्राम है, 1400 रुपए मिलते हैं महिला को जब बच्चा होता है अस्पताल में। हमने RTI मांगा, RTI में जो हमें रिपोर्ट मिली, यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं, एक ही नाम है, 1400 रुपए हर सप्ताह उसके जेब में। और ऐसी एक महिला नहीं है, हजारों महिलाएं हैं। ये सिर्फ BST की बात नहीं है, पहले यहां SST की सरकार हुआ करती थी, थाने में अपराधी बैठते थे, थाने को गुंडे चलाते थे। जब हमारे लोग थाने में जाते थे, कानून व्यवस्था नहीं थी, उल्टा उन पर FIR लॉन्च हो जाता था। कांग्रेस पार्टी एक विकास की पार्टी है, जल्द हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी विकास की पार्टी है। हम भविष्य की बात करते हैं, हम आपसे बीते हुए समय की बात नहीं करना चाहते, हम आपके आपसे भविष्य की बात करना चाहते हैं। आने वाले संसद के सेशन में हम फूड सिक्योरिटी बिल पास करने वाले हैं। फूड सिक्योरिटी बिल से हमारे जनता को भोजन का अधिकार मिलेगा। हर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति को हम भोजन का अधिकार देने वाले हैं। सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, भोजन का अधिकार हम देंगे, मगर यूपी में आपको भोजन मिलेगा या नहीं? यूपी में आपका भोजन कौन खाएगा? आप खाओगे या BST का कार्यकर्ता खाएगा या क्रिमिनल खाएगा? ये सवाल है। भ्रष्टाचार की बात करता हूं, भ्रष्टाचार में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल की बात की, एक ऐसा लोकपाल जो इलेक्शन कमीशन की प्रकार कि जैसे ऑटोनोमस हो, सख्ती से काम ले और भ्रष्टाचार को हटाए। हम बिल लगाने वाले हैं, जानने वाले हैं सांसद से। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से काम होना चाहिए नहीं हो रहा है।
जब तक उत्तर प्रदेश की जनता जागेगी नहीं, जब तक उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव नहीं आएगी, तब तक आपके पास ऐसी ही सरकार आएगी, किसी एक जात की सरकार, चुने हुए लोगों की सरकार, मगर यूपी की सरकार कभी नहीं बन सकती, आम आदमी की सरकार कभी नहीं बन सकती, मिशनों की सरकार नहीं बनेगी। जिस दिन आपने ये बदलाव यूपी में लाया, जिस दिन आपने एक विकास की सरकार चुनी, जिस दिन आपने एक प्रगति की सरकार चुनी, उस दिन उत्तर प्रदेश को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, जहां भी आप जाते हो, आप देश को दिखा देते हो भैया काम ऐसे किया जाता है। पंजाब का किसान कहता है यूपी के मजदूर के बिना हम काम नहीं कर सकते। बंबई में किसी से पूछ लीजिए, बता देंगे कि यूपी की जनता महाराष्ट्र की कितनी मदद करती है। दिल्ली में मेट्रो बन रहा है आप बनाते हो, सड़कें बनती है आप बनाते हो, यूपी क्यों, यूपी को आप भूल गए। सबसे बड़ा धोखा आपसे आपकी सरकारों ने किया है। पिछले 20 सालों में इन्होंने आपसे चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, मगर विकास की बात नहीं की है। जब तक यूपी की जनता विकास की बात नहीं करेगी, प्रगति की बात नहीं करेगी, बदलाव की बात नहीं करेगी, ये प्रदेश आगे नहीं जा सकता। और मुझे इस बात को देखकर दुख होता है और गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि इस देश की शक्ति गरीब जनता में है और आपकी सरकार गरीब को भूल गई है, गरीब के बारे में नहीं सोचती है, प्रगति के बारे में नहीं सोचती। और गरीब वही का वही है जो आप 20 साल पहले हुआ करता था। जितनी बिजली 20 साल पहले बनती थी, उससे कम बिजली आज यूपी में बनती है। आज भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, मिनिस्टर जेल में है, मगर प्रगति का नाम निशान नहीं। युवाओं की जिम्मेदारी है, युवाओं को लड़ना पड़ेगा, और जब तक युवा खड़ा नहीं होगा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं दिल्ली से आपको देखता हूँ, दिल्ली से देखता हूँ आपको, दिल्ली से देखता हूँ, यहाँ आता हूँ, गांव में दौरा करता हूँ, आपका खाना खाता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ, समझता हूँ, 7 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। गुस्सा आता है मुझे, कभी कभी मैं सोचता हूँ क्यों नहीं मैं लखनऊ जाऊँ, क्यों नहीं मैं आपकी लड़ाई लड़ूँ।
के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।